अगर यही रन बनाने की शरह बरकरार रहती है तो एक बड़े स्कोर पर नजर रहेगी। और ये बाउंड्री पर नजर थी बाबर आजम की, पिछले घुटने के बल उन्होंने इस गेंद को हाफ स्वीप हाफ पुल किया, एक और चौका। और बार बार ऐसे लग रहा है कि ज्यादातर जो बाउंड्रीज आ रही हैं वो स्क्वायर से पीछे की तरफ लेग साइड और ऑफ साइड पे, तो यहां पे लेंथ नहीं सही, लाइन भी रूम भी दे रहे हैं। तो एक और बाउंड्री इस दफा ऑफ साइड पे, लेंथ पीछे है, अपॉर्चुनिटी है और इस वक्त पिशावर और बाबर फुल जोबन पे। जहां ये मुंह जोर हो रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, गलतियां करने पे मजबूर कर रहे हैं ये। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, पिछले मैच में भी ऐसे ही लग रहा था कि 10 ओवर के बाद के बहुत लंबा स्कोर हो जाएगा। ये गुगली बिल्कुल इसे नहीं समझ सके, और ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए है जरूर। ये बॉल टर्न हुआ, 160 रन बनाकर मुल्तान सुल्तान टीम बहुत आसानी से मैच जीत गई थी इसी पिच पर। इसे इनको रोकना है, इनको 155 160 से पहले पहले आज अगर पिशावर जलमी को, लेकिन फिलहाल बहुत ही उम्दा बैटिंग जारी है इन दो सितारों की जानिब से। 10 ओवर्स मुकम्मल हुए 98 पर एक।